जिलाधिकारी नवीन प्रसाद से न्याय की गुहार लगाई कि मेरे विपक्षी द्वारा मेरे शौचालय पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, साथ ही विपक्षी द्वारा मार पीटा जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि मेरे विपक्षी द्वारा मेरी शौचालय पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था और शौचालय पर कूड़ा आदि से ढका जा रहा था। जब मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया तो विपक्षी मुझ पर और मेरे परिवार के लोगों पर टूट पड़े, जिसका विरोध करने पर मेरे विपक्षी द्वारा मुझे और मेरी चाची को फावड़े से मार करके घायल कर दिया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अतरौलिया थाने पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षी दबंग और मनबंद किस्म का व्यक्ति है, जिसके द्वारा मेरे परिवार को बुरी तरह से मारपीटा कर घायल कर दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि पुलिस द्वारा दबाव बनाकर के सुलह समझौते की बात कराई गई। विपक्षी द्वारा हम लोगों को मारकर बुरी तरह से घायल भी किया और पुलिस की मिलीभगत से उल्टा ही हम पीड़ितों को ही फंसाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी की गई, फिर भी थानाध्यक्ष द्वारा अभी तक विपक्षी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे न्याय मिल नहीं मिलता है तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगा, जहां सरकार की मंशा है कि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले, लेकिन प्रशासन के चलते न्याय मिल पाना बड़ा असहज दिखाई देता है। पीड़ित ने ये भी कहा कि इसकी शिकायत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है। मारपीट के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसमें विपक्षी द्वारा बड़ी बेरहमी से हम पीड़ितों को पीटा जा रहा है। इसका संज्ञान पुलिस नहीं ले रही है, बल्कि हमें ही धमका रही है। पीड़ित परिवार जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेगा। इस संबंध में उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? लच्छक दर्शन गाँव। क्या मामला है? आप कप्तान साहब के यहाँ गए थे, क्या मामला है बताइए? कप्तान साहब के यहाँ गए थे, वही जांच की, मतलब हमारे खिलाफ हमारे परिवार वालों को ही मारा गया है, हमारी पत्नी को मारा गया है, हमारे भतीजे को मारा गया है, और हम ही लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। यही लेकर के कप्तान साहब के यहाँ हम गए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके, हमारे पास एक वीडियो भी इसे आया है, मिला है। हमने कहा ठीक, इस वीडियो के आधार पर जैसे आप जांच करवा लीजिए, इसके बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ आप उचित कार्रवाई करिए, हम अगर दोषी हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करिए। तो आपके ऊपर तो मुकदमा पहले से दर्ज है? जी, पुलिस वाले जी से पहले उस मुकदमा दर्ज किए हैं, पीड़ित हम ही पीड़ित हैं, हम ही मार भी खाए हैं, हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा हम नहीं बता सकते, जैसे पुलिस गए तो हम वहाँ थाने पर गए, दिन भर हमको बैठाए रहे, बल्कि दर्द से हमारी पत्नी और भतीजा कराते रहे, शाम को एक तरफा जैसे हम ही लोगों का जैसे हमारे भतीजे का चालान कर दिए, और इसके बाद उनका सब डॉक्टरी वोक्टरी करवाए, हमारा डॉक्टरी भी नहीं करवाए, तो हम जा करके प्राइवेट में डॉक्टरी करवाए। अच्छा, ये बताइए जी, वीडियो जो आपके पास है, वीडियो मौके पर जी, क्या है उसमें? यही है जैसे वो हमारे विपक्षी और उनकी लड़कियां, बृजनाथ पांडे, अच्छा, और उनकी लड़कियां जैसे वो लाठी भांज रहे हैं, उसमें लाठी से मार रहे हैं, और उनकी लड़कियां जैसे हमारी पत्नी को जैसे पकड़ करके झूठा फावड़े से मार रही हैं, हाथों लात घूसों से मार रही हैं, ये वीडियो में स्पष्ट जैसे दिखाई दे रहा है। हाँ, यही है जैसे उसमें तो सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, उसमें क्लियर हो रहा है, तो ये पुलिस को नहीं दिखी ये चीजें? नहीं, पुलिस अब नहीं देखा, तभी ना, पुलिस अगर दिखी होती तो ऐसा नहीं किए होते। तो वो पुलिस को या तो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी के प्रभाव में है पुलिस? अब हम तो नहीं बता सकते हैं किसी के प्रभाव में, भाई हो सकता है जिसे, चाहे वो लड़कियों के प्रभाव में हो, चाहे जिसे उनके प्रभाव में हो, जिसे चाहे पैसे के प्रभाव में हो, जिसे यही हो सकता है। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई पुलिस की तरफ से, और पुलिस अधीक्षक साहब का क्या मिला आश्वासन आपको? पुलिस अधीक्षक साहब ने यही कहा चलो ठीक है, जाओ, मुकदमा तुम्हारे ऊपर हो गया है, जाँच होगी, जाँच करने का आश्वासन दिया उन्होंने। जांच करने का आश्वासन है। फिलहाल आप जो है वीडियो लेकर के घूम रहे हैं जी, उसके उपलक्ष्य में क्या करना, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, वीडियो को सही तरीके से उसको देखा जाए, उसकी जांच की जाए, उसमें देखा जाए कि दोषी कौन है। मेरी पत्नी को ही उसमें मारा जा रहा, लड़कियां उनकी मार रही, वो भी लाठी भाज रहे हैं, बृजनाथ भी, और अब हम ही लोगों के ऊपर मुकदमा भी किया गया, तो ही हम चाह रहे हैं कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो। अभी मुकदमा करवाना जी, हमारे तरफ से भी मुकदमा हो।